इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इब्रारुल हक की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रीसेंट आयोनाती पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। साबिक चेयरमैन सईद इलाही ने इब्रारुल हक को कबल इस मुद्दत आयोनाती पर चेयरमैन रेड क्रीसेंट मुकर्रर करने का एकदम चैलेंज किया था। चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रीसेंट तायुनाती केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सतर मिनुल्ला ने की। अदालत ने इब्रारुल हक को बतौर चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रीसेंट चार्ज संभालने से रोकते हुए आइंदा समाअत तक तायुनाती का नोटिफिकेशन मौतल करने का हुक्म जारी कर दिया है। साबिक चेयरमैन सईद इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इब्रारुल हक को चेयरमैन हलाले अहमर मुकर्रर करने का इकदाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि इब्रारुल हक को 3 साल के लिए चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। साबिक चेयरमैन सईद इलाही की तायुनाती भी 3 साल के लिए की गई थी, जिसकी मुद्दत 9 मार्च 2020 में मुकम्मल हो गई। लिहाजा सईद इलाही की मुद्दत तायुनाती मुकम्मल होने से कबल इब्रारुल हक की तायुनाती गैर कानूनी है।